अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक गुड न्यूज़ आप सब के लिए, इस साल की बड़ी रिक्रूटमेंट आ चुकी है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से। रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट ऑफर आया है, जिसमें आपको 5600 प्लस वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। 10th पास रिक्रूटमेंट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको और क्या क्या मेंशन किया हुआ है इस नोटिफिकेशन में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को भी ऑल पे ज़रूर रखना। उसके साथ साथ अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन को आप एक बार ज़रूर खुद भी रीड आउट करना और आपको पता चलेगा कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कुछ वैकेंसीज़ हैं, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि लोको पायलट की रिक्रूटमेंट इनको चाहिए। ट्रेन के जो पायलट होते हैं उसकी रिक्रूटमेंट को इनको चाहिए। अगर हम बात करें ऑनलाइन डेट्स के बारे में, 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करना है, 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई ज़रूर करना। तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिर जो है करेक्शन फॉर्म करना चाहते हो, विंडो ओपन होने के बाद जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, फिर आपको करेक्शन करनी होगी अपने फॉर्म पे, तो वो 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक ओपन रहेगी। तो ये पोस्ट्स आपको ऑनलाइन मिलेगी, आपको ऑनलाइन इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना है। असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है, जिस पे आपको पे लेवल इन 7th लेवल 2 इनिशियल लेवल इनिशियल पे लेवल आपको रहेगी 19,900 एंड आपको टोटल वैकेंसी जो है 5,696 आपको यहाँ पे वैकेंसीज मिलने वाली हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें, 18 से लेकर 30 ईयर तक आप लोगों की एज रहने वाली है। आप ये इंस्ट्रक्शन सारी रीड करना ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ आएगा। इसके बाद क्या लिखा गया इस नोटिफिकेशन में वो भी आपको मैं बताता हूँ। इसमें आपको जनरल फिटनेस की भी ज़रूरी है, जनरल फिटनेस होना चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी, सिटीजनशिप, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ नेपाल, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ भूटान, ये सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में भी, एज रिलैक्सेशन के यहाँ पे वो भी मेंशन किया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद क्या मेंशन किया हुआ है, 18 से लेकर 30 ईयर तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, 500 रुपीज़ स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑल कैटेगरीज़ में आते हैं, लेकिन बट जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबर्स, एक्स सर्विस मैन, फीमेल कैंडिडेट्स या ट्रांसजेंडर के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, उनको 250 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देना है। बाकी जो अन्य कैटेगरीज़ है उनके लिए यहाँ पे 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। तो आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है इन पोस्टर्स के लिए, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट RRB पार्टिसिपेटिंग इन यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। अब अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर यहाँ पे जम्मू श्रीनगर का दिया हुआ है, www.rrbjammu.nic.in। ये जम्मू श्रीनगर के लिए ऑनलाइन जो वेबसाइट होगी, इसी वेबसाइट पे जाके आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। बाकी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जो भी स्टेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इस स्टेट का जो अलग अलग यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट खोली है, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है, उसी के थ्रू आपको ये पोस्टर्स इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना है। फिलहाल जो हम जम्मू श्रीनगर की बात करें, www.rrbjammu.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे जाके आप लोगों इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने और क्या मेंशन किया हुआ है, ये पूरी नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूँगा, वहाँ से आप ज़रूर इसको एक बार रीड आउट ज़रूर करना। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज है, लेवल 7th पे 2 पेल्स के लिए यहाँ पे 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड A1। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, और अगर आपके पास ITI है, आपके पास ITI होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक किसी भी फील्ड में आपने ITI किया है, तो आप एलिजिबल हो, और उसके साथ साथ आपके पास मैट्रिक होना ज़रूरी है। और उन्होंने, या आपके पास होना चाहिए मैट्रिक और ITI डिग्री, अगर आपके पास इंजीनियरिंग का है तो भी आप एलिजिबल हो। तो या तो आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और प्लस आपके पास ITI होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो। अगर हम बात करें, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अलग अलग वैकेंसीज़। अब अगर हम बात करें जम्मू श्रीनगर की, यहाँ पे जम्मू श्रीनगर का दिया हुआ है
जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 15, बाकी सारी कैटेगरीज के बिल के लिए भी इन्होंने यहाँ पे वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, यानी कि 50+ वैकेंसीज़ आपको J&K में भी मिलने वाले हैं। तो बहुत बड़ी वैकेंसीज़ हैं, आप अगर अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई ज़रूर करना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।